आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फाइनली मेरा स्टूडियो टूर। सो बहुत टाइम से आप लोग मेरे को पूछते थे कि मैं अपना स्टूडियो दिखाऊं आप लोगों को, बट मेरा स्टूडियो रेडी नहीं था। बट नाउ मैं अपना स्टूडियो जो है थोड़ा बहुत सेटअप कर ली हूँ। सो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्टूडियो टूर। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ क्या आप लोग रेडी है फॉर पिक्सी स्टूडियो टूर? लेट्स गो। सो ये है मेरे स्टूडियो का एंट्रेंस एंड आइए। जैसे कि मैं अपने स्टूडियो में एंटर कर रही हूँ, सो सबसे राइट साइड में ये जो आप देख रहे हैं ये है वॉशरूम। सो वॉशरूम ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक वॉशरूम है, ये मैं आपको नहीं दिखाने वाली। सो देन इसके बाजू में है ये मेरा बैग स्टैंड एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे बैग्स का बहुत शौक है। सो यहाँ पे मेरे सारे बैग्स तो नहीं है, कुछ कुछ बैग्स हैं जो मैं हमेशा यू नो डेली बेसिस पे यूज करती हूँ। ये जो बैग स्टैंड है ये मैंने लिया था अमेजोन से एंड बाय द वे जो भी सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी मेरे जो स्टूडियो में जो भी सारे मैंने डेकोरेट करने के लिए यूज किए हैं उन सबका जो परचेस लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करूंगी, सो आप उसको क्लिक करोगे तो जो पूरा लिस्ट है वो ओपन हो जाएगा। सो आप उस लिस्ट में सब कुछ देख सकते हो। ओके सो ये है मेरा बैग स्टैंड, जैसे कि आपने देख लिया है इसमें बहुत सारे बैग्स रखे हूँ मैं एंड मैंने शेयर किया था अपना फेवरेट बैग्स वीडियो एक, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। देन इसके जस्ट बाजू में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सेटअप है ये है बेसिकली मेरा वीडियो सेटअप। सो जब भी मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ तो ये जो सेटअप है ये मेरे बैकग्राउंड में आता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ये जो सेटअप, ये कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो स्पेशली ये मेरा वीडियो कॉर्नर है। सो आप जो ये टेबल देख रहे हो ये मैंने लिया था अमेजोन से एंड बहुत ही अच्छा टेबल है गाइज, ये मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में रहता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब भी ऑलमोस्ट जो भी सारी चीज़ें देख रहे हो आप सब कुछ अमेजोन से है। ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट में दिया था, बहुत ही प्यारा क्रिस्टल पीस है। एंड ये वाला जो आप देख रहे हो ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दिया था। तो ये जो प्लांटर आप देख रहे हो ये मैंने लोकल नर्सरी से लिया था एंड यहाँ पे जो ये ट्रे है ये मैंने अमेजोन से लिया है अगेन। एंड ये जो आप लीफ वगैरह देख रहे हो ये सब आर्टिफिशियल है, ये सब कुछ मैंने अमेजोन से लिया था। एंड ये वाला जो फ्लावर है ये कलकत्ता से मैं लेके आई थी। एंड यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में ये कुछ लाइट्स लगाए हुए हैं जिससे कि जो वीडियो का जो लुक है वो बहुत ही प्यारा आता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट लगाया हुआ है जिससे कि यू नो फोटोग्राफ्स वगैरह बहुत ही क्यूट आता है। मैंने एक और ऑर्डर किया है इस साइड लगाने के लिए, वो अभी तक आया नहीं है। सो दिस इज माई वीडियो कॉर्नर। तो मेरे वीडियो बैकग्राउंड के जस्ट बाजू में एक छोटा सा कॉर्नर मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही कोजी सा कॉर्नर है। मैं यहाँ पे बैठ के कभी कभी यू नो वीडियो एडिट करती हूँ, कभी मैं यहाँ पे बैठ के कॉफी पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला कॉर्नर। सो अगेन ये जो आप कलरफुल रग देख रहे हैं ये मैंने लिया था अमेजोन से, ये कुशन एंड कुशन कवर सब कुछ अमेजोन का है। एंड ये जो कॉर्नर है थोड़ा यू नो कोजी सा कलरफुल सा क्यूट सा कॉर्नर मैंने क्रिएट किया है। ठीक इसके बाजू में मैंने ये कुछ शोपीस रखे हुए हैं जिससे कि ये जो कॉर्नर है बहुत ही क्यूट लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ये फेक फ्लावर्स है, ये सब कुछ मैंने अमेजोन से लिया है, ये कलकत्ता का है। बट ये जो प्लांटर नहीं, ये एक वाटरिंग कैन है जिसको मैंने एज अ शोपीस यूज किया है। सो ये मैंने अमेजोन से लिया था एंड ये भी एक शो पीस है, अभी फिलहाल इसमें बैटरी नहीं है इसलिए इसमें लाइट नहीं चल रहा अच्छे से। सो या दिस इज माई क्यूट सा कोजी कॉर्नर। सो बात करते हैं इस वॉल की जो कि मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है मेरे स्टूडियो में। सो ये जो आप वॉल देख रहे हो ये मैंने थोड़ा फैशन वॉल टाइप क्रिएट किया है। सो मैंने इस वॉल को ये जो फोटो फ्रेम्स है ये मैंने DIY किया था।
सो ये फ्रेम्स मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं एंड इनमें जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो ये सब कुछ मैंने पिंटरेस्ट से यू नो सेव करके जो जो मुझे अच्छा लगा वो सब सेव करके देन मैंने इसको प्रिंट आउट किया. सो बहुत ही प्यारा लगता है ये जो वॉल है, एकदम प्रॉपर फैशन वॉल है. सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कोको शनेल है, वोग है, देन टिफनी है. सो यह बहुत ही प्यारा क्यूट सा वॉल है एंड यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है. देन बात करते हैं इस लैम्प की एंड ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था. ये मैंने अमेजोन से लिया था, किसी एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था. बहुत ही अच्छा लैम्प है ये. पहले मैं अपने लिविंग रूम में रखती थी बट अब मैं इसको अपने स्टूडियो में रखती हूँ एंड मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में भी ये जो लैम्प है बहुत ही प्यारा लगता है. तो फैशन वॉल के ठीक बाजू में है ये मेरा ड्रीम वैनिटी जो कि मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया था इससे पहले वाले वीडियो में. ये मैंने लिया है फ्रॉम आईकिया एंड ये जो वैनिटी है, इस टाइप का वैनिटी मुझे बहुत पहले से चाहिए था बट मुझे कहीं नहीं मिलता था, बट फाइनली मुझे मिल गया मेरा ड्रीम वैनिटी. सो इस वैनिटी के बारे में जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं आप लोगों के साथ पूरा वैनिटी टूर करने लगी तो ये जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा. सो मैं आप लोगों के साथ जल्दी मेरा जो वैनिटी टूर है वो शेयर करूंगी बट अभी मैंने इसको ऐसा कुछ यू नो ऑर्गेनाइज किया हुआ है. यहाँ पे भी मैंने ये फोटो फ्रेम्स रखे हुए हैं जो कि मैंने वॉल पे लगाए थे. सो या मुझे बहुत 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 पसंद है ये वैनिटी. तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें काफी सारा स्टोरेज है इस बार. मेरे पास जो पहले का जो वैनिटी था उसमें वो बहुत अच्छा था बट स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉर्स हैं एंड यहाँ पे भी बाजू में आप देख सकते हैं एक बड़ा सा मैंने अलग स्ट्रॉ लिया है, इसमें भी बहुत सारे स्टोरेज है. सो या आई एम रियली रियली हैप्पी विद माई वैनिटी एंड फाइनली मुझे मेरा ड्रीम वैनिटी मिल गया है. सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी. सो ओके अब वैनिटी से ठीक बाजू में चलते हैं एंड वैनिटी के ठीक बाजू में है ये बड़ा सा विंडो जैसे कि आप देख रहे हैं. सो मुझे कभी भी यू नो लाइट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, लाइक मुझे बहुत ही अच्छे से नेचुरल लाइट मिलता है एंड काफी बड़ा विंडो है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर है. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एंड बहुत अच्छे से यू नो फ्रेशनेस रहता है रूम पे, बहुत ही अच्छा लाइट मिलते रहता है हमेशा मुझे. तो ठीक वैनिटी के बाजू में मैंने रखा है ये प्लांट जो कि आर्टिफिशियल नहीं है, ये लाइव प्लांट है एंड फिलहाल ये थोड़े से बुरे कंडीशन में है बट मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ. एंड इसके साथ जो आप प्लांटर देख रहे हो ये मैंने लिया था वेस्ट साइड से एंड या सो ये है मेरा प्लांट. एंड देन बाजू में जो आप देख रहे हो यहाँ पे एग्नेस बैठा हुआ है, ये हमेशा यहीं पर बैठता है. सो ये ऑटोमैन है, ये हमारा जो पुराना सोफा था उसके साथ था बट मैंने ये जो ऑटोमैन है ये मैंने अपने स्टूडियो में रखी है जिससे कि यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, मैं कभी यहाँ पे बैठ के यू नो एडिटिंग कर लेती हूँ एंड मोस्टली मेरे जो कैट्स है ना वही बैठे रहते हैं यहाँ पे. सो इसके साथ ये कुशन भी है, ये भी सेम इसी ऑटोमैन के साथ में ही था. देन यहाँ पे एक छोटा सा स्टूल जो कि मेरे पहले वैनिटी का है. सो ये स्टूल मैंने ऐसे ही रख लिया है रैंडमली यहाँ पे, यू नो कभी बैठ सकते हैं या फिर कुछ अगर मुझे प्रोडक्ट्स की फोटो लेनी है तो यहाँ पे मैं रख के उसकी फोटोज ले सकती हूँ. सो जस्ट ऐसे मैंने इसको रखा हुआ है. देन ये ऑटोमैन के बाजू में आते हैं एंड आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ है, ये भी मैंने अमेजोन से लिया था. ये आईकिया का है बट मैंने अमेजोन से लिया था एंड यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा प्लांट रखा है. सो ये भी लाइव प्लांट है, आर्टिफिशियल नहीं है एंड इसका जो कंडीशन है काफी अच्छा है, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है. इसके बाजू में है ये गिटार. सो मुझे गिटार प्ले करना नहीं आता है बट हमने शॉप में ये गिटार लिया था एंड ये मैंने यहाँ पे इसको सजा के रखा हुआ है. लेट्स सी फ्यूचर में कभी ना कभी मैं इस गिटार को प्ले करना जरूर चाहूंगी, लाइक मैं सीखूंगी. देन इसके इस वॉल पे आते हैं. तो इस वॉल पे सबसे पहले है ये मेरा क्लोथ स्टैंड, आई थिंक यही बोलते हैं. सो यहाँ पे मैं जो भी जो थोड़े फैंसी वाले जो ड्रेसेस होते हैं ना वो सब मैं हैंग करके रखती हूँ. सो ये बैकग्राउंड में भी काफी अच्छा लगता है, फोटोज में भी काफी अच्छा लगता है एंड यहाँ पे मैंने ऐसे लाइट से इसको सजाया हुआ है. सो कभी मैं जब कुछ ड्रेसेस का हॉल करती हूँ तब भी मैं अपने सारे ड्रेसेस यहाँ पे रखती हूँ जिससे कि मुझे इजी होता है, काफी अच्छा भी लगता है. ये वाला जो स्टैंड है ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, आई थिंक इसको 4 इयर्स तो हो चुके होंगे. ये मैंने लिया था पेपर फ्राई से. सो अब आते हैं इसके बाजू में. देन इसके बाजू में यहाँ पे मेरा रखा हुआ है ये रिंग लाइट जो कि मैं यूज करती हूँ फॉर शूटिंग. सो पहले मेरे पास था सॉफ्ट बॉक्सेस बट अभी मेरे पास ये रिंग लाइट है. सॉफ्ट बॉक्सेस भी है बट फिलहाल रिंग लाइट से मेरा काम चल जाता है. सो ये मेरा रिंग लाइट है जिससे आप जो वीडियोस देखते हैं ये मैं जो लाइट लगा के वो वीडियोस बनाती हूँ
ओके सो देन यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डेकोरेशन करके रखा है. सो ये एक फेक प्लांट है जो मैंने अमेजोन से लिया था अगेन. एंड ये जो आप फ्रेम देख रहे हो ये मेरी सिस्टर को बर्थडे गिफ्ट में एक हैम्पर में मिला था जो कि मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है. सो एक छोटा सा डेकोरेशन किया है मैंने. एंड जो ये वॉल है ये वॉल मैंने पूरा खाली रखा है, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है क्योंकि बाकी सारे जगह पे बहुत कुछ चीज़ें लगी हुई, तो मैंने सोचा कि कुछ वॉल थोड़ा खाली भी रहना चाहिए. सो फाइनली अब आते हैं इस टेबल पे. सो ये बहुत ही बेसिक नॉर्मल सा टेबल है. ये जो टेबल है ये मैं बेसिकली यूज़ करती हूँ फॉर शूटिंग एंड फॉर एडिटिंग. सो जब भी मैं अपने वीडियोज़ बनाती हूँ ना, जब आप मेरा जो बैकग्राउंड देखते हो, सो उस बैकग्राउंड के सामने बैठ के मैं ये जो टेबल है वो सामने खींच लेती हूँ. टेबल पर सब कुछ जो सामान है वो रखे मैं शूटिंग करती हूँ. सो बहुत ही सिंपल बेसिक सा टेबल है. अभी फिलहाल ये टेबल से मेरा काम चल रहा है, बट इन फ्यूचर मैं कोई अच्छा सा फैंसी सा टेबल जरूर लूंगी. एंड ये जो आप देख रहे हो ये जो टेबल क्लॉथ है ये भी मैंने अगेन अमेजोन से लिया था. एंड यहाँ पे सब कुछ अगेन मेरा एडिटिंग एंड शूटिंग से रिलेटेड सब कुछ रखा हुआ है. मेरा कैमरा किट यहीं पे रखा है, मेरा जो लैपटॉप है, चार्जर है, सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है. एंड ये वाला एक छोटा सा चेयर है जिसमें मैं बैठ के वीडियो शूट करती हूँ. ये भी अभी अच्छे से काम चल रहा है मेरा, बट इन फ्यूचर मैं अच्छा एक चेयर ज़रूर लूँगी. सो ये कैलकटा का है, पापा मुझे काफ़ी टाइम पहले ला के दिए थे. सो ये मैं यहाँ पे रखती हूँ जिससे मैं अपने जो वीडियोज है वो सब कुछ इसी में बैठ के शूट करती हूँ. सो गाइज ये तो था मेरा पिक्सी स्टूडियो टूर. एंड आई होप कि आप लोग को मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, मेरा ये स्टूडियो पसंद आया होगा. एंड अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना. एंड जस्ट इन केस अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट विल मीन अ लॉट टू मी. आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स पोस्ट वगैरह करती रहती हूँ. सो यहाँ सो आज का जो वीडियो है वो बस यहीं तक रहा. मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय.